दोस्तों, प्रधानमंत्री बदलते ही अब भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी बांग्लादेश के कदमों के ऊपर ही चल पड़ा है और भारत के साथ नेपाल भी पंगे लेने की सोच रख रहा है, क्योंकि नेपाल के अंदर जैसे ही जुलाई के मध्य के अंदर सरकार चेंज होती है और प्रचंड बहुमत हारते हैं तो केपी शर्मा कोहली आ गए। और आप सभी को बता दूं कि केपी शर्मा ओली माने जाते हैं चीन के प्रबल समर्थक, और इन्होंने आते ही भारत के साथ नेपाल के सीमा विवाद को उठा दिया। दरअसल नेपाल भारत के कालापानी लिपुलेख पास वाले जो इलाका है, जो स्क्रीन के ऊपर आप सभी देख रहे हो, उसके ऊपर क्लेम करता है। और इसको लेकर नेपाल ने अपने नए नोट जारी कर दिए हैं, जिसमें इन इलाकों को नेपाल ने अपना हिस्सा बता दिया है। अब इसके बाद बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो चुका है भारत और नेपाल के बीच में, क्योंकि इससे नेपाल और भारत के बीच में सीमा विवाद खड़ा हो चुका है। और इस सब की वजह के पीछे चाइना के समर्थक केपी शर्मा ओली हैं, जो कि चीन से मोटी इन्वेस्टिंग के चक्कर में भारत के साथ पंगे ले रहे हैं। और एक प्रकार से आप यदि देखोगे तो नेपाल के अंदर जो बीआरआई प्रोजेक्ट को लाया गया था, वो केपी शर्मा ओली के कारण ही चीन नेपाल के अंदर बीआरआई प्रोजेक्ट को चला पाया था। पर अब नेपाल के इस दुस्साहस का भारत की तरफ से किस प्रकार से जवाब दिया जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। और यह जवाब और कोई नहीं, नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करने वाले हमारे उत्तराखंड के भाई बहन और वहां के व्यापारी नेपाल को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हमारा और नेपाल का बॉर्डर लगभग खुलासा ही रहता है और दोनों ही तरफ व्यापार होता रहता है। परंतु अब हुआ क्या है कि जो हमारे उत्तराखंड के व्यापारी हैं, उन्होंने नेपाल के नोटों को साफ लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इन नोटों के बदले हम नेपाल को माल भी नहीं देंगे, भले ही हमें नुकसान क्यों ना हो जाए, परंतु नेपाल के साथ इन नोटों का बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि ये जो हिस्से नेपाल अपने नोटों के माध्यम से अपने हिस्से बता रहा है, वो भारत का अभिन्न अंग है। इस प्रकार से भारत की जमीन को अपना हिस्सा बताना हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही हमें अपना माल नेपाल को ना देना पड़े और हमें नुकसान ही क्यों ना हो जाए, पर हम नेपाल के इस दुस्साहस को नहीं सहेंगे। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो, जिसमें हमारे उत्तराखंड के भाइयों बहनों ने बहुत ही सख्त प्रक्रिया अपनाई है नेपाल के ऊपर। पर आप सभी को क्या लगता है, और क्या भारत सरकार को भी नेपाल सरकार के साथ अब सख्ती से इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि बार बार हमारी जमीन को अपना कहना बंद करो, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में। फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।